नमस्कार उत्कल प्रदेश को स्वागत करछी मु शुभश्री प्रथमे हेडलाइंस केलो प्रकल्प को विरोध करी ओडिशा रे 12 घंटिया बंद डाकरा सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी प्रसाद हरिचंदन को नेतृत्व रे सारा राज्य रे बंद पालन ओडिशा वासी को पाई खुशी खबर एणी की सरकारी स्तर रे ओडिया भाषा प्रचलन भितरकनिका उद्यान को 50,000 रु ऊर्ध देशीय पक्षी समागम 11 प्रजाति बग गेंडालिया पानी कुआंको परी देशी पक्षी को भिड़ काश्मीर हिंसा प्रसंग धारण कला जटिल रूप गृहमंत्री राजनाथ सिंह को बैठक डाकरा वर्तमान संपूर्ण खबर महानदी उपरे छत्तीसगढ़ सरकार को केलो प्रकल्प को विरोध करी आज प्रदेश कांग्रेस पक्षर ओडिशा रे 12 घंटिया बंद पालन करा जाय छी। पीसीसी सभापति प्रसाद हरिचंदन को नेतृत्व रे बंद पालन करा जाय थिला। बंद को दृष्टि रे रखी सारा राज्य रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाय थिला। बंद रो प्रभाव सारा राज्य रे देखिबा को मिली थिला। महानदी उपरे छत्तीसगढ़ सरकार केलो प्रकल्प को विरोध करी आज प्रदेश कांग्रेस पक्षर 12 घंटिया बंद डाकरा दि जा सकाल सकाल यार प्रभाव राजधानी में देखा मिले विभिन्न स्थान में कंग्रेस कर्मकर्ता मैंने पिकेटिंग कर रास्ता अवरोध करते भुवनेश्वर रेल स्टेशन में रेल रोक कर बंद को अधिक तीव्रतर कर पीसीसी सभापति नेतृत्व में यह बंद पालन कर विक्षोभ में कंग्रेस वरिष्ठ कर्मकर्ता जोगद विक्षोभ को अधिक तीव्रतर कर 17 वर्ष धरी ओडिशा रे शासन करथिबा नवीन सरकार को विरोध रे एही विक्षोभ रे नाराबाजी करा जायतिला। बंद सफल होईची सारा ओडिशा रे लोके गां गंडाटू आरंभ करके शहर बाजार पर्यंत ए बंद को कांग्रेस रे डाकरा को समर्थन देछंती एवं बीजेपी एवं बीजेडी सरकार रो बीजेपी से छत्तीसगढ़ रे एवं एठी बीजेडी सरकार रो मुखा खोलिछंती एमाने षड्यंत्र करी महानदी पानी को जो शिल्पपति मानक देवाई उद्यम करुले लोके जाणिले एवं लोके आगामी दिन में आहुरी व्यापक आंदोलन हम एवं देखो बीजेपी हूँ आम प्रतिद्वंदी बीजेडी हूँ आम प्रतिद्वंदी आपत जो प्रतिद्वंदी को पचारे सी आउ कौन कहे निजर स्थित नहीं आभिमुख्य एपर्त स्पष्ट है कि महानदी प्रसंगे आभिमुख्य कौन छत्तीसगढ़ भूल कर ठीक कर छत्तीसगढ़ बंद करवा कथ कि नुहे ए कथा से स्पष्ट करूँ डेली गोटे कागज चिठी काढ़ पुणा चिठी जदि देखी प्रेस मिट कर तार भितर सीमा एक विक्षोभ में केन्द्र बीजेपी सरकार और राज्यर बीजेडी सरकार विरोध में नाराबाजी करा कांग्रेस कर्मकर्ता माने NH5 अवरोध करते फल कटक भुवनेश्वर गाड़गुड़ रास्त अटकी रही मास्टर कैंटीन छक रास्ता अवरोध समय पुलिस और कांग्रेस कर्मकर्ता मुहांमुही परिस्थिति सृष्टि होता विक्षोभ को अधिक तीव्रतर करने महिला मोर्चार कर्मकर्ता जोगदे पुलिस मात्राधिक कार्यानुष्ठान अभियोग में पीसीसी सभापति प्रसाद हरिचंदन नेतृत्व में कंग्रेस नेता धारणा देते कंग्रेस भवन पीसीसी सभापति नेतृत्व में एक राली एजी छक घेराव करने समय पुलिस द्वारा अरेस्ट होते सकालू सकालू पिला माने जते बले हमर बंद लागि चारियाले बुलुतुले हमर पिला माने को तमने से माने अरेस्ट करि सारि छथि जोटा कि नेहति अन्याय एवं अयुक्तिकर एवं तांकर गुटे प्रकार तमने दादागिरी कहिले चले तमने आज मुख्य तमने कोनोसी कार्यानुष्ठान पिला को ऊपर करबा उचित न या को से माने मध्य पूर्ण प्राण रे समर्थन करबा ये चर्चा निराधार चर्चा किसी अमूलक चर्चा किसी भीति ना कारण आज सका गिरफ्तारी चली दफा वारी दफा को दफा कांग्रेस नेता एवं कांग्रेस कर्मी मैंने गिरफ होती विभिन्न स्थान रे सका साढ़े सातटा बेले गिरफ होती आठटा बेले नौटा बेले दसटा बेले गिरफ्तारी चली आम आमको पुलिस उठेगा पुणी देखिए अन्य नेतृवृंद महानदी पानी को सुरक्षित करने कांग्रेस आंदोलन सफल होती शेष में प्रसाद हरिचंदन सूचना देते भुवनेश्वर कैमेरामैन संतोष एवं अमूल्य मौसुमी का रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो। रा...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सोमवार दिन भारत 70वां स्वाधीनता दिवस अवसर में आट होम आयोजन करते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर उपस्थित थे। केवल से नुहे एक कार्यक्रम अनेक गणमाध्यम प्रतिनिधि उपस्थित थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सोमवार दिन भारत 70वां स्वाधीनता दिवस अवसर में आट होम आयोजन करते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधान जस्टिस टीएस ठाकुर परस्पर भेटाभेटी होगापर वार्तालाप करते। यह पूर्व ठाकुर प्रधानमंत्री लालकिला संबोधन में न्यायपालिका समस्या कारण न कहू असंतोष जाहिर करते। से खुशी ना जाहिर कर जस्टिस ठाकुर कही लोकप्रिय प्रधानमंत्री को देढ़ घंटा पर्यंत शुणिली एने मोर लक्ष्य थिला जे से न्याय क्षेत्र एवं न्यायाधीश निजुक्ति विषय में किसी भी उल्लेख करेंगे। मुवल गोटे कथा प्रधानमंत्री को कहवापी चाहूँगी आपण दारिद्र्य हटाओ रोजगार बढ़ाओ नुआ योजना करतु किंतु देशवासी न्याय विषय में भावतु किंतु संध्यार राष्ट्रपति द्वारा आयोजन होता आट होम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधान जस्टिस ठाकुर अनेक समय पर्यंत वार्तालाप कर देखा मिलता। राष्ट्रपति द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी पत्नी सलमा समेत अनेक मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो। ओडिशावासी खुशी खबर एणिक सरकारी स्तर में विधिवद्ध भाव ओडिया भाषार व्यवहार करा जिबो। समस्त सरकारी चिठी फाइल और अन्यान्य समस्त कार्य ओडिया भाषा परिचालित हेबो। सरकारी स्तर में ओडिया भाषा सठिक रूप से परिचालना करिबा नै मुख्य शासन सचिव नेतृत्व में एक कमिटी गठन करा जाइछि। आजठार सरकारी स्तर में विधिवद भाव ओडिया भाषार व्यवहार हेबो। समस्त सरकारी चिठी फाइल और अन्यान्य काम ओडिया भाषा हेबो। सरकारी स्तर में ओडिया भाषा व्यवहार नहीं मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार एक कमिटी गठन करा। प्रति छह मास कमिटी ओडिया भाषा केमिति कार्यकारी तर्जमा कर ओडिया भाषा व्यवहार होना से नहीं तदारख कर साधारण प्रशासन विभाग अधीन स्वतंत्र डिविजन। अन्यपक्ष ओडिया भाषा कार्यकारी को नहीं प्रश्न उठाई भाषाविद तरबरिया भाव यह कार्यकारी करोग कर हिंदी समेत अन्य आंचलिक भाषार कार्यकारिता नहीं विभिन्न राज्यर निर्देशालय भाषा कमिशन और अन्यान्य संस्था को तदारख दायित्व दि जाए। तेज ओडिशार एभली कौन अनुष्ठान गठन कर राज्य भाषा आयोग गठन करी क्वासी जुडिशियाल पावर दि जाए था तेरे सरकारी निर्देश कार्यकारी करिबा सहज होता भाषाविद मत देखते। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो। उत्कल प्रदेश रे समय होछि एक ब्रेक रो ब्रेक परे देखिबा आउ किछि खबर। फर्स्ट नुआखाई ट्रेड फेयर 2016 बलांगीर। फर्स्ट ऑल बुकिंग कांटेक्ट अपना डिजिटल फ्लेक्स ब्राह्मण पड़ा बलांगीर। मोबाइल नंबर 9939774673 and 9853862491 organized by signature 3 group digital partner metro tv bureau। आमे प्रतिदिन निजकु प्रस्तुत करिथौ विभिन्न काम पई हेले दुर्घटना दुर्घटना पई आपण केबे भी प्रस्तुत न थांती खास सेथि पई आमे सबु बेले प्रस्तुत। अश्विनी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर एलसीसी शहीद नगर जॉइन पीजीडीसीए एमडीएससी डीसीए टैली एंड लॉट मोर स्पेशल डिस्काउंट फॉर बीपीएल कार्ड होल्डर्स जॉइन टुडे। ब्रेक फॉर स्वागत। भितरकनिका जातीय उद्यान को प्रतिवर्ष भली ए वर्ष 50,000 रु ऊर्ध्व देशीय पक्षी समागम होई। पक्षी 11 प्रजातिर बग गेंडालिया पाणिकुआ माछरंका परि देशीय पक्षी रही। प्रतिवर्ष वर्षा दिन आरंभ रु भितरकनिका बग गहन रे देशीय पक्षी माने भिड़ जमाई थांती। भितरकनिका जातीय उद्यान को प्रतिवर्ष हजार हजार देशीय पक्षी समागम होई। प्रतिवर्ष भली ए वर्ष 50,000 रु ऊर्ध्व देशीय पक्षी समागम होई। 11 प्रजातिर बग गेंडालिया पाणिकुआ माछरंका परि देशी पक्षी भिड़ जमी। प्रतिवर्ष वर्षा दिन आरंभ रु भितरकनिका बग गहन रे देशीय पक्षी माने भिड़ जमाई थांती। गत वर्ष 96,437 टी देशीय पक्षी समागम होईथिला।
ଚଳିତ ଥର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭିତରକନିକା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ ଗଠନ କରାଯାଇ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ପୁଣି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 1 ଟଙ୍କା କମିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶେଷ ଥର ଜୁଲାଇ 31ରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଲିଟର ପିଛା 60.09 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାସହ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା କମିବା ପରେ ଏବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 50.27 ପଇସା ରହିଛି। ଏହି ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। କାଶ୍ମୀର ହିଂସା ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୁରହାନ ବାନୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ହିଂସା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ସହ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୁରହାନ ବାନୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦିନକୁ ଦିନ କାଶ୍ମୀର ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ହିଂସା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସମେତ ଗୃହ ସଚିବ ଓ ଆର୍ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୁରହାନର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାଶ୍ମୀରରେ ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର କାଶ୍ମୀରର ଏକ ଘାଟିରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଫାୟାରିଂ ଫଳରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 64କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଚରିତ ଲାଲ ଗୋୟଲଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 99 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ନିଗମବନ୍ଧ ଘାଟିରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଗୋୟଲଙ୍କ ପିତା ଚରତିଲାଲ ଗୋୟଲ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 99 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ନିଗମବୋଧ ଘାଟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। 1927 ମସିହା ହରିୟାଣାର ଏକ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1993ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଜପା ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ସେ ବିଧାନସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ 1951ରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ସଂସ୍ଥାପକ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 1943-44ରେ ଗୋୟଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଦମଦାର ନେତା ଥିଲେ। 1993ରେ ଯେବେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଜପା ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ବାଚସ୍ପତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ ଗୋୟଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଖେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।